अप्रैल का ये आखिरी हफ्ता भारतीय सिने जगत के लिए बहुत मुश्किल साबित हुआ है। फिल्म इंडस्ट्री ने दो ही दिन में अपने दो महान कलाकारों को खो दिया है। आज करीब सुबह 8:45 पर ऋषि कपूर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर कैंसर से चली लंबी लड़ाई के बाद आज जिंदगी की जंग हार गए। उनके अंतिम समय में उनके बेटे और पत्नी उनके साथ थे, लेकिन उनकी बेटी रिधिमा कपूर उस समय दिल्ली में थी और सरकार से मुंबई जाने की इजाजत मांग रही थी। दिल्ली पुलिस ने रिधिमा कपूर को मूवमेंट पास जारी किया ताकि वो अपने पिता के अंतिम दर्शन के लिए पहुंच सके। देश में जारी लॉकडाउन के बीच प्रशासन ने अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए बेहद करीबी 15 लोगों को इजाजत दी है। निधन के बाद आज सुबह अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में लोग जुट गए थे, लेकिन मुंबई पुलिस ने सभी को वापस कर दिया। अंतिम वक्त में ऋषि कपूर के साथ पत्नी नीतू, बेटे रणबीर समेत पूरा परिवार मौजूद रहा। करीना कपूर, सैफ अली खान, अभिषेक बच्चन और आलिया भट्ट भी अस्पताल में आखिरी दर्शन के लिए पहुंचे। ऋषि कपूर की मौत पर उनके परिवार की ओर से बयान सामने आया है। कपूर परिवार की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि उन्होंने गुरुवार यानी आज सुबह आखिरी सांस ली। परिवार ने बताया कि उन्होंने बड़ी ही बहादुरी से करीब 2 साल तक कैंसर से जंग लड़ी और अब इस दुनिया को अलविदा कह गए। अपने बयान में परिवार ने कहा, हमारे प्यारे ऋषि कपूर ने आज सुबह 8:45 पर शांति से इस दुनिया को अलविदा कहा। उन्होंने करीब 2 साल तक ल्यूकेमिया से बड़ी बहादुरी से जंग लड़ी। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ का कहना है कि वो आखिर तक सभी का मनोरंजन करते रहे थे। वो कैंसर से चल रही लड़ाई के 2 सालों में हमेशा दृढ़ निश्चयी और जिंदा दिल रहे थे। ऋषि कपूर की मौत की जानकारी महानायक अमिताभ बच्चन ने सबसे पहले दी थी। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, वो चला गया ऋषि कपूर, मैं अंदर से टूट गया हूँ। जानकारी के मुताबिक उन्हें कैंसर की बीमारी की जटिलताओं के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था और वो करीब 1 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती थे। सूत्रों से ये भी पता चला है कि इलाज के दौरान उन्हें वेंटिलेटर में कई बार रखा और निकाला गया था। ऋषि कपूर के निधन पर प्रधानमंत्री ने भी शोक जताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता ऋषि कपूर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। पीएम मोदी ने कहा, ऋषि कपूर जी बहुआयामी, प्रिय और जीवंत थे। वो प्रतिभा की खान थे। मैं हमेशा सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई बातचीत को याद करूंगा। वो फिल्मों और भारत की प्रगति के बारे में भावुक थे। उनके निधन से दुखी हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना, शांति। आपको बता दें, सितंबर 2018 में ऋषि कपूर को कैंसर के बारे में पता चला था और वो इलाज के लिए अमेरिका चले गए थे। इसके बाद 3 अक्टूबर 2018 को ऋषि कपूर को कैंसर होने की खबर आई थी, जिसे मीडिया से बात करते हुए उनके भाई रणधीर कपूर ने कंफर्म किया था। इसके बाद से लगातार उनका कैंसर का इलाज चल रहा था। ऋषि कपूर को ल्यूकेमिया की बीमारी थी, जो कि श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार का कैंसर होता है। ऋषि कपूर इसी का इलाज कराने अमेरिका गए थे। ल्यूकेमिया की बीमारी में ये व्हाइट ब्लड सेल्स नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं और इसके बाद पूरी बॉडी में बाकी ब्लड के फ्लो को बाधित कर देती हैं। बॉलीवुड के चिंटू कपूर यानी कि ऋषि कपूर ने 67 साल की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को मुंबई के चेंबूर में हुआ था। उन्होंने कैंपियन स्कूल मुंबई और मेयो कॉलेज अजमेर में अपने भाइयों के साथ अपनी स्कूली शिक्षा की। उनके भाई रणधीर कपूर और राजीव कपूर हैं। उनके पैतृक चाचा शशि कपूर और शम्मी कपूर सभी अभिनेता हैं। उनकी दो बहनें ऋतु नंदा और रिमा जैन हैं। अपनी पूरी उम्र फिल्मों को समर्पित कर चुके ऋषि कपूर ने एक से बढ़कर एक हिट फिल्में सिनेमा प्रेमियों को दी और यादगार भूमिकाएं निभाई। अपनी पहली ही फिल्म मेरा नाम जोकर के लिए ऋषि कपूर को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से नवाजा गया था। उन्हें चिंटू के नाम से भी जाना जाता था। साल 2008 में उन्हें फिल्म फेयर की ओर से लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया था। बॉबी फिल्म के उनके किरदार को काफी पसंद किया गया था। इसके अलावा उनकी प्रेम रोग, नगीना, चांदनी जैसी पुरानी फिल्मों को भी पसंद किया जाता है। हाल ही में आई उनकी फिल्में मुल्क, 2 दुनी 4, अग्निपथ और 102 नॉट आउट जैसी फिल्में भी काफी पसंद की गई थी। ऋषि कपूर का अंतिम संस्कार आज मुंबई के मरीन लाइन्स के चंदनवाड़ी इलाके के शमशान घाट पर किया गया, जहां वो पंचतत्व में विलीन हो गए। ऋषि कपूर उन अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें युगों युगों तक हिंदी सिनेमा प्रेमी उनकी फिल्मों और अभिनय के जरिए याद रखेंगे। मैं डायरेक्टर दिलीप गुलाटी, आज बहुत दुख हो रहा है कि हमारे बीच एक ग्रेट एक्टर ऋषि कपूर साहब नहीं रहे। कल के दुख से हम उभरे नहीं थे कि आज बड़ा दुख का पहाड़ हमारे सामने आ गया।
कल रहीम हमें छोड़ के चला गया, आज राम हमें छोड़ के चला गया। ऋषि कपूर साहब एक बहुत ग्रेट एक्टर ही नहीं थे, एक बहुत अच्छे इंसान भी, वेरी ह्यूमरस, वेरी ऑनेस्ट, और जो भी बात करते थे दिल खोल के बात करते थे, डंके की चोट पे बात करते थे। इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के 100 साल में 87 ईयर्स से कपूर खानदान चला आ रहा है, और मुझे लगता है ऋषि कपूर साहब आरके फिल्म्स के बहुत बड़े ब्रांड थे। डैशिंग, डेयरिंग, डायनामिक एंड डिवाइन, मैं ऋषि कपूर साहब के लिए नमन करता हूँ। ओम शांति। हाय दोस्तों, नमस्कार, मैं राज चौहान, एक्टर एंड मॉडल। कल हमारे बीच में एक दुखद समाचार आया, इरफान खान जी जो कि इंडस्ट्री के महान एक्टर थे और अपनी एक्टिंग और व्यक्तित्व के माध्यम से हम सब पर राज किया, और अकस्मात मृत्यु हुई उनकी। और आज एक और दुखद समाचार सुबह मिला, हमारे ग्रेट ग्रेट व्यक्तित्व के धनी और अपनी एक्टिंग से लोहा मनवा चुके और अपनी बातों को एक बेबाक तरीके से जो रखते हैं ऋषि कपूर जी का देहांत हो गया। वास्तव में हमें सुन के मतलब भरोसा नहीं हुआ कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो गया, हमारी फिल्म इंडस्ट्री को किसकी नजर लगती जा रही है, जो इतने हमारे जो गार्जियन के रूप में, और हम सभी उसके उनके फैन रहे हैं, उनके एक्टिंग के, कपूर खानदान ने जो फिल्म इंडस्ट्री को, फिल्म जगत को जो अपना त्याग दिया है, बलिदान दिया है, उसको हम भुला नहीं सकते। और बस इस विषम परिस्थिति में मैं यही चाहूंगा कि कपूर खानदान को भगवान इस दुख को सहन करने की शक्ति दे, और हमारे महान और हमारे फेवरेट, हमारे फैन ऋषि कपूर जी की आत्मा को शांति दे, क्योंकि अभी देश में कोरोना है चारों तरफ, तो आप देख रहे हैं कि उनके परिवार के अलावा और कोई उनके साथ में नहीं है, तो इस दुख की घड़ी में उनके परिवार को इतने बड़े दुख से उबरने की सहन शक्ति दे, और मैं भगवान से प्रेयर करता हूँ। अभी हम एक बुरी खबर से उभरे भी नहीं थे कि आज फिर सुबह हमें दूसरी बुरी खबर मिली। कल इरफान भाई हमारे साथ नहीं रहे और आज ऋषि कपूर साहब भी हमें छोड़ के चले गए। बहुत दुख की बात है, ये साल 2020 इतना बुरा होगा ये सोचा भी नहीं था 2019 में हमने। ऋषि कपूर साहब और उनकी फैमिली के लिए मैं तहे दिल से उनके साथ खड़ा हूँ। मजबूर हूँ कि मैं उनके इस वक्त में मौजूद नहीं हूँ। कल इरफान जी को भी कांधा नहीं दे पाया इस कोरोना वजह से, लॉकडाउन वजह से, और आज ऋषि कपूर साहब के पास भी उनको भी कांधा देने नहीं जा पाया। ऋषि कपूर साहब की बात करें, वो अपने आप में बहुत ही बड़े एनर्जेटिक कलाकार थे, काम के लिए बहुत डिवोटेड थे हमेशा से वो, और अभी तक कंटिन्यू उन्होंने काम किया बचपन से लेके अभी तक। उनकी पहली फिल्म थी राज कपूर साहब के साथ, मेरा नाम जोकर, उसमें उन्होंने एक बाल भूमिका निभाई थी। राज कपूर साहब उनके फादर थे, काफ़ी बड़ी फैमिली है, काफ़ी लोग हैं, सभी स्टार्स हैं उनकी पूरी फैमिली में। मेरी बड़ी तमन्ना थी कि मैं उनके साथ में काम कर पाता, लेकिन मौका ही नहीं मिला कभी। मैं दिल से उनको श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और उनकी फैमिली के साथ इस दुखी घड़ी में खड़ा रहना चाहता हूँ। अफसोस है कि उनको कांधा नहीं दे पाया, ना इरफान भाई को कांधा दे पाया और ना ही ऋषि कपूर साहब को। अल्लाह इन सब की मगफरत करे, दिल से श्रद्धांजलि देता हूँ और दुआ करता हूँ उनके लिए। टेक केयर गाइस, लव यू, जय हिंद। तो ऊपर चमकेंगे सितारे, कभी मरा नहीं करते, दिलों पर राज किया करते हैं। मैं रिपब्लिकन फिल्म एंड टीवी एसोसिएशन की तरफ से, बुद्धांजलि की तरफ से, और इस चैनल के सभी दर्शकों के तरफ से ऋषि कपूर साहब को सत सत नमन करता हूँ, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर स्पर्श शर्मा। कल के दुख से अभी पूरी तरह इंडस्ट्री उभरी भी नहीं थी कि आज फिर एक शॉकिंग और पेनफुल न्यूज़ मिली कि हमारे दिग्गज कलाकार श्री ऋषि कपूर जी नहीं रहे। मैं उनसे भी मिल चुका हूँ, इतना बड़ा स्टारडम होते हुए भी बहुत ही चौली सिंपल और बहुत ही मजाकी इंसान थे, बहुत प्यार से बात किया करते थे, बहुत ही ओपन होके, चाहे सामने वाला छोटा आर्टिस्ट है चाहे बड़ा आर्टिस्ट है, कोई टेक्नीशियन है,
हमेशा बहुत ही जॉली तरीके से बात किया करते थे। और सच कहूँ तो 2020 अप्रैल का ये लास्ट वीक, जैसे ब्लैक डे हम लोग बोलते हैं, ये अप्रैल का लास्ट वीक ब्लैक वीक के नाम से जाना जाएगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमने इंडस्ट्री के दो योद्धा कलाकारों को खो दिया, इरफान भाई और ऋषि कपूर जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारी प्रार्थनाएं और सांत्वना उनके परिवार के साथ है कि ऐसे बुरे वक्त में अपने आप को संभाल सके। एक और सदमा बॉलीवुड के लिए, लेजेंडरी एक्टर ऋषि कपूर नहीं रहे। बॉलीवुड के लिए, सिनेमा जगत के लिए, सबके लिए बहुत बड़ा सदमा। ऋषि कपूर, द ग्रेट ऋषि कपूर, लेजेंडरी ऋषि कपूर, अभी हम इरफान खान साहब के सदमे से बाहर ही नहीं निकले थे। यकीन नहीं हो रहा अभी भी इरफान साहब हमारे बीच में नहीं है। ऋषि कपूर साहब का सदमा, बॉलीवुड को किसी की नज़र लगे, कैसा मनहूस समय चल रहा है, कैसा मनहूस समय चल रहा है, एक के बाद एक ऐसे सदमे कैसे बर्दाश्त करेंगे हम इंसान हैं। फैन हैं उनके, ऋषि कपूर साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, बच्चों से लेके बुजुर्ग तो सबके सबके आइडल हैं वो। बचपन से उन्होंने करियर शुरू किया था मेरे नाम जोकर में, बच्चों के चहेते हो गए थे बॉबी में, युवाओं के, यूथ के, टीनेजर्स के, उसके बाद मैच्योर लोगों के बहुत सारी 70s और 80s की फिल्मों में, और उसके बाद अब वो उन्होंने दूसरी पारी शुरू की थी जिसमें वो कैरेक्टर में आ गए थे, डी डे, अग्निपथ 102, इतने हरफन मौला, हर तरह के काम करते थे। मेरे साथ कभी मुझे तो मौका नहीं मिला उनके साथ काम करने का, लेकिन एक बार जब वो पुलिस के शो में मुझे मिले थे तो मैंने उनके पैर छुए थे, तो मेरी तरफ देख के मुस्कुराए थे, जैसे जैसा लग रहा था वो मुझे जानते हैं। ऋषि साहब, आपका जाना बॉलीवुड के लिए, हम सब के लिए, हम सब फैंस के लिए बहुत दुखद है। ईश्वर आपकी आत्मा को शांति दे। क्या कर सकते हैं इंसान, यहाँ पर मजबूर है, कुछ नहीं कर सकते। भगवान आपके परिवार को और आपके सारे चाहने वालों को, हम सब फैंस को ये सदमा सहने की ताकत दे, और आपको ईश्वर, आपका तो नाम ही ऋषि है, स्वर्ग में जगह दे और उच्च स्थान दे, यही प्रार्थना है। लेकिन आपका काम, आपकी मुस्कुराहट, आपके गाना, संगीत, अदाकारी सब हमारे दिल में है और हमेशा हमको इंस्पायर करते रहेगी। लव यू सर। नमस्कार दोस्तों, मैं एक्टर अरमान ताहिल आज भगवान से पूछता हूं कि हे भगवान, हमारे बॉलीवुड को किसकी नजर लग गई है। एक के बाद एक दो महान अभिनेता, पहले इरफान खान साहब और अब ऋषि कपूर साहब, आपने अपने पास बुला लिए, वो भी इतनी जल्दी। अरे अभी उनकी उम्र ही क्या थी, अगर बुलाना ही था तो किसी भ्रष्टाचारी, दुराचारी, बलात्कारी को बुलाता। भगवान, तुमने ऐसे नेक दिल इंसानों को अपने पास बुला लिया जो कि अपना देश का नाम पूरे विश्व में रोशन कर रहे थे। कोई भी तुम्हारे इस डिसीजन से खुश नहीं है भगवान, कोई भी नहीं। पूरा देश आज शोक और दुख में डूबा हुआ है, और इस दुख की घड़ी में मैं इन दो महान अभिनेताओं के घर वालों को अपना शोक प्रकट करता हूं, और इन दो महान अभिनेताओं के चरणों में अपना नमन और अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आप दोनों जहां कहीं भी हैं, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं और हमारी दुआओं में रहेंगे। भगवान आपको अपने चरणों में जगह दे। वी ऑल लव यू। एक्टर अरमान ताहिल की तरफ से आपको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय दोस्तों।